हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल? गुड इवनिंग, आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड इवनिंग, हेलो रौनक, कैसी चल रही है फिर आप लोगों की पढ़ाई? पेपर आने वाले हैं, बस तैयारी वारी सब बढ़िया? हाँ जी, थोड़ी आगे चली गई है। कितनी आगे चली गई तैयारी? हेलो, हाँ जी कुणाल, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है तैयारी आपकी? आवाज क्लियर आ रही है सबको? बता दो एक बारी, शुरू करूं फिर मैं आज का प्रवचन। हाँ बहुत बढ़िया, थ्योरी सब्जेक्ट करवा दो। थ्योरी क्या, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट कह रहे हो क्या? इकोनॉमिक्स वाला पार्ट कह रहे हो इसमें? ओके कुणाल, बहुत बढ़िया रौनक, EISSM, कोई बात नहीं, उसके बारे में भी बात मैं आपसे कर लूंगा। ऑल्दो मैं उसका फैकल्टी नहीं हूँ, मेरा सब्जेक्ट है नहीं, बट थोड़ी सी बात मैं उसके बारे में भी कर लूंगा, ठीक है, चिंता मत करो आप। 40 तो एटलीस्ट लाना ही है, उसमें भी पास तो देखो होना ही है, ठीक है, अगर मुश्किल भी लगता है वो। एनीवे, अब टाइम नहीं वेस्ट करते, अपना आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। कैपिटल बजटिंग का सेशन हमने कर लिया था और वो सही से हो भी गया था, इस वाले सेशन में तो कल थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी इंटरनेट में। तो एनीवे, तो वो वाला चैप्टर आपने मेरे को लास्ट सेशन में बता भी दिया था कि आपने खुद से भी कर लिया, उसके जो क्वेश्चंस मैंने भी आपको भेजे थे वो आपने बताए थे कि आपने कर लिए हैं। अब आज के इस सेशन में मैं आपके साथ रिस्क एंड अनसर्टनिटी इन कैपिटल बजटिंग, ये वाला पार्ट अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बिल्कुल उसी तरीके से इसके सारे कॉन्सेप्ट्स पर ब्रशअप करेंगे और उसके बाद इंस्टीट्यूट के RTP मॉक टेस्ट में से अच्छे अच्छे इसके क्वेश्चंस पिक करेंगे और वो कर लेंगे, ठीक है ना? तो सर, अब सिंपल बात, अब बस कॉन्सेंट्रेट करेंगे और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसके कॉन्सेप्ट से। तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, जब हमने ये चैप्टर सर क्लासेस में स्टार्ट किया था, नॉर्मली हम एक प्रोजेक्ट को, एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को इवैल्यूएट करने का काम करते हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट या ये इन्वेस्टमेंट पिक करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कैपिटल बजटिंग का चैप्टर जब हमने किया, हमने इसी बात को एनालाइज किया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिटर्न, कि कौन से प्रोजेक्ट में, कौन सी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में रिटर्न ज्यादा आएगा। रिटर्न के बेसिस पे हमने NPV अप्रोच बनाई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बनाया, अपना पेबैक पीरियड बनाया, IRR बनाया और उसके बेसिस पे हमने आंसर दे दिया। जब हम बात करते हैं रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इस चैप्टर की, तो यह चैप्टर कहता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को इवैल्यूएट करना ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिटर्न सही नहीं है। आपको उस रिटर्न के साथ साथ जो एसोसिएटेड रिस्क उठाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, आपको उस रिस्क को भी इवैल्यूएट करना चाहिए। तो उस रिस्क वाइज उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को इवैल्यूएट करने का काम हम इस चैप्टर में सीखते हैं। इसके साथ, इस नोट के साथ हमने अपना पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था इस चैप्टर का, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। ये वाला कॉन्सेप्ट सिंपल सी बात कहता है कि सर, मान लो आपके पास चार प्रोजेक्ट्स हैं ABCD, आपको इन चार प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना है और इन चार प्रोजेक्ट्स को आपको इवैल्यूएट करना है। आप इनकी एनपीवी निकालते हो, बहुत बढ़िया बात, लेकिन जब आप इन प्रोजेक्ट्स की एनपीवी निकालते हो, एनपीवी निकालने के लिए आपको डिस्काउंटिंग रेट चाहिए होता है।
नॉर्मल कैपिटल बजटिंग में जो भी डिस्काउंटिंग रेट आपको क्वेश्चंस वगैरह में दिया होता है, वही डिस्काउंटिंग रेट ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स के लिए आप सेम डिस्काउंटिंग रेट यूज करके उनकी एनपीवी निकाल देते हो और आंसर दे देते हो। लेकिन हमारा आरएडीआर का रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट का कॉन्सेप्ट कहता है कि हर प्रोजेक्ट में एसोसिएटेड रिस्क अलग है, और अगर हर प्रोजेक्ट का एसोसिएटेड रिस्क अलग है तो हर एक उस प्रोजेक्ट को डिस्काउंट करने का जो डिस्काउंटिंग रेट है वो अलग होना चाहिए। कैसे? सर, जिस प्रोजेक्ट में रिस्क ज्यादा है उस प्रोजेक्ट से इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगी, क्योंकि हम एक सिंपल सी बात पढ़ते आते हैं, हायर द रिस्क हायर मे बी द रिटर्न। हम रिटर्न एटलीस्ट ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे अगर रिस्क ज्यादा उठाना पड़ रहा है। तो सर, अगर किसी प्रोजेक्ट में रिस्क ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अगर ज्यादा होगा तो सर डिस्काउंटिंग रेट उस प्रोजेक्ट का ज्यादा होना चाहिए। इसी तरीके से किसी प्रोजेक्ट का अगर रिस्क कम है तो उसमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी कम होगा, रिस्क कम तो रिटर्न कम, और रिटर्न अगर कम है तो सर डिस्काउंटिंग रेट भी कम चल जाएगा, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने बोला आरएडीआर में रिस्क के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि उस प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने का डिस्काउंटिंग रेट क्या होना चाहिए। अब इसके बेसिस पे जितना हमारा लास्ट वाला सेशन हुआ था उसमें मैंने जैसे आपको बात करी थी, आपके पास क्वेश्चंस में इसी तरीके की चीजें आती हैं। या तो आपको क्वेश्चन डायरेक्टली बोल देगा एक प्रोजेक्ट ए है, बी है, सी है, डी है, ए प्रोजेक्ट का बीटा 1.2, बी प्रोजेक्ट का बीटा 2, सी प्रोजेक्ट का बीटा 3, डी प्रोजेक्ट का बीटा 1.6। आपको हर प्रोजेक्ट का बीटा दे दिया। बीटा इज व्हाट? रिस्क इंडेक्स और रिस्क फैक्टर ऑफ अ प्रोजेक्ट। जैसे 1 का बीटा क्या डिनोट कर रहा है कि जितनी मेहनत करोगे उतना ही रिटर्न आएगा, 1 से ज्यादा बीटा वो क्या एक तरह से कह रहा है कि अगर आप मेहनत करोगे 1 की तो रिटर्न आपको मल्टीपल टाइम्स आएगा, लेकिन चांसेस हैं फिर लॉसेस भी मल्टीपल टाइम्स आ सकते हैं। तो आपको इस तरीके से एक प्रोजेक्ट का बीटा दे दिया। अब आपको वो इस तरीके से बता देगा कि अगर बीटा, जैसे अलग से आपको डेटा दे दिया, अगर किसी का बीटा 1 है तो उसका डिस्काउंटिंग रेट एग्जांपल के लिए 10%, किसी का बीटा 1.1 है तो उसका डिस्काउंटिंग रेट 12%, किसी का बीटा 1.2 है तो उसका डिस्काउंटिंग रेट 14%, किसी का बीटा 1.8 है तो उसका डिस्काउंटिंग रेट 20%, किसी का बीटा 2 है तो उसका डिस्काउंटिंग रेट 21%। इसी तरीके से आपको कुछ कुछ और डेटा दे देगा। अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका कौन सा प्रोजेक्ट कौन से डिस्काउंटिंग रेट से डिस्काउंट होगा। ए प्रोजेक्ट का बीटा 1.2 है, तो सर जब बीटा 1.2 होता है तो उस टाइम पर डिस्काउंटिंग रेट 14% होता है, मतलब आप अपना ए प्रोजेक्ट 14% के रेट पर डिस्काउंट करेंगे। इसी तरीके से बी प्रोजेक्ट का बीटा 2 है और जब बीटा 2 होता है तो डिस्काउंटिंग रेट इस एग्जांपल के डेटा में मैंने 21% दिया है, मतलब बी प्रोजेक्ट आप 21% पे डिस्काउंट करेंगे। इस तरीके से आपको डेटा दिया होगा, मतलब कुछ डेटा आपका इन प्रोजेक्ट्स के मिलता जुलता होगा, काम का होगा, अकॉर्डिंगली आपको डिस्काउंटिंग रेट चुनना होगा, ठीक है ना। ये तो थी सर सिंपल सी बात। या तो इस तरीके से आपको काम करना होगा या फिर आपको क्वेश्चंस क्या कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके साथ क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, आपको सर केई दे देंगे, आपको आरएफ दे देंगे, और मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं मैं यहां पे कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, और आपको सर आरएम दे देंगे और आपको कहेंगे अब करिए, ठीक है। अब ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, एक तो आपको इस तरीके से डेटा दे देंगे, केई दे दिया, आरएफ दे दिया, आरएम दे दिया, और फिर आपको लिखेंगे अगर किसी कंपनी का बीटा 1 है तो उसका डिस्काउंटिंग रेट 10%, अगर किसी का बीटा 1.1 है तो उसका डिस्काउंटिंग रेट 12%, अगर किसी का बीटा 1.2 है तो उसका डिस्काउंटिंग रेट 1.4%। इस तरीके से आपको कुछ ये डेटा दे दिया, फिर आप क्या करेंगे, आप कैपम लगाएंगे, आप कैपम लगाएंगे। के ई है आपके पास कैपम का फॉर्मूला, के ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। फिर आप ये कैपम का फॉर्मूला लगाएंगे, आपके पास के ई है, आपके पास आर एफ है, आपके पास आर एम है, आपके पास अगेन आर एफ है, आपके पास बैलेंसिंग फिगर बीटा आ जाएगा। मान लीजिए यहां से आपके पास बीटा 1.1 आता है, फिर आप इस 1.1 के बीटा पे आइडेंटिफाई करेंगे कि जब बीटा 1.1 होता है तो डिस्काउंटिंग रेट 12%। या फिर इस तरीके से क्वेश्चन डेटा दे सकता है, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से डेटा दे सकता है, आपको आर एफ दे दिया, आपको बीटा दे दिया, आपको आरएम दे दिया, बस उसके अलावा आपको और कोई डेटा नहीं दिया। आपको कोई इस तरीके से बीटा इतना होगा तो डिस्काउंटिंग रेट ये होगा वगैरह वगैरह, इस तरीके का आपको कोई और डेटा नहीं दिया। तो सर ऐसे केस में आप क्या करेंगे,
ऐसे केस में आपको देन अगेन कैपम लगाना पड़ेगा, आर एफ प्लस बीटा, आर एम माइनस आर एफ आप करेंगे, यहां से आपके पास के ई आएगा, और जो भी यहां से इस फॉर्मूले को लगाने पर आपके पास के ई आएगा वो आपका डिस्काउंटिंग रेट होगा, ठीक है ना। हर प्रोजेक्ट का बीटा अलग दिया होगा क्वेश्चन में, तो हर प्रोजेक्ट का बीटा लगाकर डिस्काउंटिंग रेट आपके पास अलग ही आएगा, ऑल्दो इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक चीज और आखिरी हो सकती है कि किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको बीटा ही ना गिवन हो और आपको बीटा निकालना पड़ जाए। पहले मेरे को बताइए यहां तक की सारी बात क्लियर हो गई, जितने भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अलग अलग सवालों के यहां पे बन सकते हैं मैं सारे आपसे डिस्कस कर रहा हूं। हां जी, यहां तक की सारी बात क्लियर बता दो एक बारी। ओके जी, अच्छा, अब आपको कई बारी क्वेश्चन यहां पे बीटा नहीं देता है लेकिन आपको दो डेटास देता है उसके लिए। क्या डेटा सर? एक आपको बीटा के नाम पर उसने लिखा कोवेरियंस ऑफ, याद आ रहा होगा आपको, हमने वैसे ऐसी ऐसी बात डिविडेंड वाले चैप्टर में करी थी, कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी विद मार्केट। मान लीजिए मैं आपको लिख दूं 20% और आपको लिख दिया वेरिएंस ऑफ मार्केट, वो मान लीजिए आपको 10% दे दिया। अब यहां पे आपको बीटा वगैरह कुछ नहीं दिया, आपको आरएफ दे दिया, आपको आरएम दे दिया, और अब आपको डिस्काउंटिंग रेट निकालने हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अलग अलग, ठीक है ना, मतलब आरएडीआर निकालना है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट निकालना है। तो उसके लिए पहले आपको हर प्रोजेक्ट का सर बीटा चाहिए। अब बीटा कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको सिंपल सा, आपको याद होगा क्लासेस में आपको इस तरीके से समझा रखा है, मैं दोबारा से उस चीज को रिवाइज करवाऊंगा। मान लीजिए मैं आपको कहूं पूरी मार्केट में, पूरी स्टॉक मार्केट में, जिसको निफ्टी या सेंसेक्स कहते हैं, पूरे सेंसेक्स या निफ्टी में मिलाकर 10% की फ्लक्चुएशन आ रही है, और मैं कहता हूं इस पूरे सेंसेक्स या इस पूरे निफ्टी में या इस पूरे मार्केट में जो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी के शेयर के भाव में 20% की फ्लक्चुएशन आ रही है, तो आपसे पूछा जाए कौन ज्यादा रिस्की, तो आप बोलेंगे सर आपकी कंपनी ज्यादा रिस्की क्योंकि मार्केट से ज्यादा फ्लक्चुएशन आपकी कंपनी के शेयर में है। मैं पूछूं सर मेरी कंपनी मार्केट के कंपैरेटिवली कितनी ज्यादा रिस्की, तो आप क्या बोलोगे? सर आपकी कंपनी मार्केट के कंपैरेटिवली डबल रिस्की है। इस फॉर्मूले में डालोगे आंसर आपके पास 2 आएगा। 2 आपका क्या है? बीटा। 2 क्या डिनोट कर रहा है? कि मार्केट में अगर 10% का फ्लक्चुएशन है तो कंपनी में 20% का फ्लक्चुएशन है। 2 का बीटा डिनोट कर रहा है मार्केट में 1% का फ्लक्चुएशन आएगा तो सिक्योरिटी में 2% का फ्लक्चुएशन आएगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं सिक्योरिटी ज्यादा रिस्की है एज कंपेयर टू मार्केट, डबल रिस्की है सिक्योरिटी एज कंपेयर टू मार्केट। यहां पे मैंने ये फॉर्मूला क्या लगवाया, 10% क्या था? फ्लक्चुएशन इन मार्केट। 20% क्या था? फ्लक्चुएशन इन सिक्योरिटी। अल्टीमेटली फ्लक्चुएशन इन सिक्योरिटी को यहां पर नाम दिया गया है कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी, और फ्लक्चुएशन इन मार्केट को यहां पर नाम दिया गया है वेरियंस। तो अल्टीमेटली आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट। अल्टीमेटली इस एग्जांपल में 20% डिवाइडेड बाय 10% करेंगे, आपके पास आंसर 2 बीटा। इस 2 के बीटा को यहां पे अप्लाई करेंगे कैपम के फॉर्मूले में, आपके पास कैपम का आंसर, जो कैपम का आंसर आएगा वो आपका डिस्काउंटिंग रेट, एज सिंपल एज दैट। बस सर यही था आपके पास इस मेथड में, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, ठीक है जी। इसके बाद सर आपके पास सेकंड मेथड आता है इस चैप्टर में, सेकंड पैरामीटर आपके पास आया था रिस्क को एडजस्ट करने के लिए, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट, बेसिकली सीईसी। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट की अप्रोच क्या कहती है? जैसे रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, वो क्या कर रहा था, एक प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन में रिस्क को एडजस्ट करने के लिए डिस्काउंट रेट को रिस्क के अकॉर्डिंग एडजस्ट करवा रहा था। ये वाली अप्रोच एक प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए रिस्क का इंपैक्ट कैश फ्लोज में डलवाएगा। तो ये अप्रोच कहती है कि फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट 3 साल चलेगा, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। आपको ईयर 1 का कैश इनफ्लो दे दिया 1 लाख रुपए, ईयर 2 का आपको कैश इनफ्लो दे दिया, ये सारे कैश इनफ्लो दे रखे हैं, ईयर 2 का आपको कैश इनफ्लो दे दिया 1.5 लाख रुपए, ईयर 3 का आपको कैश इनफ्लो दे दिया 2 लाख रुपए। आपको इसके साथ साथ हम सर्टेनिटी
इक्विवेलेंट कोफिशिएंट भी देंगे। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट मतलब जैसे मैं पहले साल का 0.9 लिखूं, परसेंटेज में ये बना और 90%, इसका मतलब एक साल बाद 1,00,000 रुपए का इनफ्लो हो सकता है, लेकिन उसमें से 90% का इनफ्लो होगा इस बात की सर्टेनिटी है। बाकी के 10% का इनफ्लो हो या ना हो हमें नहीं पता, क्योंकि एक साल बाद के फ्यूचर को हम प्रेडिक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो हम कहते हैं काम करो, इससे मल्टीप्लाई करके ना आप यहां पे सर्टन कैश फ्लोज निकाल लो, मतलब आपके ये वाले कैश इनफ्लो हैं लेकिन इसमें से सर्टन कितने हैं कि होंगे ही होंगे। तो पहले साल 1,00,000 का इनफ्लो आएगा, उसमें से 90% सर्टन है या 0.9 की प्रोबेबिलिटी है 90,000। मैंने 10,000 की अनसर्टेनिटी को हटा दिया। इसी तरीके से मैं बोलूं दूसरे साल 0.8 की सर्टेनिटी है, तो 1,50,000 × 0.8 या 1,50,000 × 80% यह आपके पास आएगा 1,20,000। तीसरे साल मान लो मैं आपको कह दूं 0.7 की सर्टेनिटी है, तो यह आएगा आपके पास 1,40,000। तो मैंने पहले साल में से थर्ड ईयर में से 60,000 हटाया, सेकेंड ईयर में से मैंने 30,000 हटाया, पहले साल में से मैंने 10,000 हटाया, ये जो पहले साल 10,000, दूसरे साल 30,000, तीसरे साल 60,000 में हटा रहा हूं, ये किस नाम का है? ये सर आपने इन कैश इनफ्लोज में से अनसर्टेनिटी हटाई है। एक तरह से मैंने इन कैश फ्लोज में से अनसर्टेनिटी को हटा दिया, सिर्फ सर्टन कैश फ्लोज बच गए। अगर सर सिर्फ सर्टन कैश फ्लोज बच गए तो इन सर्टन कैश फ्लोज में से तो फिर कोई रिस्क ही नहीं है। नो रिस्क, भाई रिस्क का मतलब क्या होता है? अल्टीमेटली सर रिस्क का मतलब ही यही होता है, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी। फ्यूचर में सर ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव सिनारियो चला जाए, ऐसा भी हो सकता है कि सर नेगेटिव सिनारियो चला जाए, उसी को तो रिस्क कहते हैं। अगर मैं आपको कह दूं आज की 100% प्रोबेबिलिटी है ये होगा ही होगा, भले ही पॉजिटिव भले ही नेगेटिव, तो कोई रिस्क थोड़ा ना है फिर उस चीज में। मेरे कहने का मतलब है मैंने अनसर्टेनिटी ही जब हटा दी, मैंने रिस्क सारा हटा दिया, जो बच गया सर्टन उसमें रिस्क है ही नहीं। तो ये अप्रोच कहती है आप इन सर्टन कैश फ्लोज को अब डिस्काउंट करिए। उसके लिए जो आप पीवी फैक्टर लोगे ना, जो डिस्काउंट रेट लोगे इसके लिए आप, वो आपका आरएफ होना चाहिए, दैट इज वो आपका रिस्क फ्री रेट होना चाहिए। फॉर द सिंपल रीजन, अब आप ऐसे कैश इनफ्लोज को डिस्काउंट करोगे जिनमें रिस्क का नाम आपने हटा दिया है। तो अगर सर्टन कैश फ्लोज, रिस्क फ्री कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना है तो रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट लेना पड़ेगा। इसके बेसिस पे मैं पीवी ऑफ इनफ्लो निकालूंगा और उसमें से अपना बाद में पीवी आउटफ्लो माइनस करूंगा, मेरे पास सर्टन एनपीवी आ जाएगी। एंड दिस इज इट, ये थी आपकी अप्रोच सर्टनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट। अल्टीमेटली हमने कैश फ्लोज में अपने रिस्क के इंपैक्ट को एडजस्ट किया है। यहां पे मुझे बताइए समझ आया यहां तक सारा? रिवाइज हो रहा है, सभी को याद आ रहा है ये सब क्या किया हुआ है? बताइए एक बारी, समझ आ रहा है सबको? जिंदा लाशा तो नहीं बन जाओगे अभी? जाग रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर्टनिटी इक्विवेलेंट कैश कोफिशिएंट के बाद फिर हमने सर यहां पे बात करी थी, आपको याद होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन, और हमने बात करी थी यहां पे वेरिएंस की भी। फटाफट से इसको समझेंगे एक बारी। ओके दीपा कह रही है जाग रहे हैं फिलहाल तो ओके। वैसे आप जैसे जवाब देने वाला बच्चा एक सी एंटर के ग्रुप वन में भी है, उससे भी जब भी पूछो नींद तो नहीं आ रही अभी तक तो नालायक। एनीवे, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सर पहली बात, स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए फटाफट से मैं इसको आपको समझा रहा हूं फॉर्मूला कैसे क्या बनाया था हमने। या तो सर आपके पास क्वेश्चन में पास्ट डेटा होगा या फिर आपके पास क्वेश्चन में फोरकास्ट होगा आने वाले डेटा का। पहले पास्ट डेटा अगर है तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कैसे निकलेगा? अगर सर आपके पास पास्ट डेटा है तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन डेटा देगा कि पिछले 4 सालों में, एग्जांपल मैं 4 साल का लेके चल रहा हूं, पिछले 4 सालों में पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल कि आपको रिटर्न देगा, जिसको मैं यहां पे क्या लिखूंगा, गिवन रिटर्न।
आपको पिछले 4 सालों की रिटर्न दे दी। ये जो जिसको मैंने गिवन रिटर्न दिया है लिखा है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, पिछले 4 सालों के रिटर्न का आपको डेटा दे दिया। दैट इज, इसको प्यार से बोल देते थे हम जीआर। मान लीजिए यहां पे 10%, यहां पे 12%, यहां पे 13%, यहां पे 9%, ठीक है ना। अब आपसे पूछेगा स्टैंडर्ड डिविएशन बताओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इसमें से क्या निकालेंगे, जब पास्ट डेटा होगा तो आपको यहां पे निकालना होगा एवरेज रिटर्न। क्या निकालना होगा? एवरेज रिटर्न। तो मैं यहां पे एवरेज रिटर्न निकालता हूं एआर लिखकर। एवरेज रिटर्न, सिंपल एवरेज, 10% प्लस 12% प्लस 13% प्लस 9% डिवाइडेड बाय 4, आपके पास एवरेज रिटर्न आ जाएगा। वो यहां पे आ जाएगा आपके पास 22 और 13, 35 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा आपके पास 11%। ये आपका एआर आ गया, एवरेज रिटर्न एआर, ठीक है जी। आपने एज इट इज यहां पे ये एआर लिख देना है, 11%, 11%, 11%, 11%। फिर आपको यहां पे निकालना है जीआर माइनस एआर। जीआर माइनस एआर मतलब गिवन रिटर्न माइनस एवरेज रिटर्न। इसका मतलब इसको जीआर माइनस एआर को हम क्या बोलते हैं, ये हम क्या निकाल रहे हैं, एक तरह से डिविएशन निकाल रहे हैं कि ऑन एन एवरेज पिछले 4 साल की रिटर्न 11% रही है, हर साल पॉजिटिव या नेगेटिव कितना रिटर्न डिविएट करी है अपने एवरेज रिटर्न से, ठीक है ना। पिछले 4 सालों में हर साल ऑन एन एवरेज रिटर्न कितना डिविएट करी है अपनी ऑन एन एवरेज रिटर्न से। यहां पे आपने 10 माइनस 11 माइनस 1, यहां पे प्लस 1, यहां पे 2, यहां पे माइनस 2। फिर आपको क्या करना है, जी आर माइनस ए आर का लगाना है स्केयर, दैट इज डिविएशन का स्केयर लगाएंगे। तो ये 1 1 4 4, ठीक है जी। जी आर माइनस ए आर का स्केयर लग गया, इसका लगा दो टोटल। ये टोटल आपके पास कितना बनेगा, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10। ये जो 10 आया ये क्या कहलाएगा, आपने यहां पे जी आर माइनस ए आर का स्केयर कर रखा है और उस सब का सब सर आपने सबमिशन कर रखा है। सबमिशन का साइन लगा दिया, जो स्टेटिस्टिक्स में आप लगाते थे वही निकाला है आपने। तो बेसिकली जो 10 आया ये आपके पास क्या आया, सबमिशन ऑफ जी आर माइनस ए आर का स्केयर। अब सर निकालना है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का आपके पास फॉर्मूला क्या था, सबमिशन ऑफ जी आर माइनस ए आर इसका स्केयर डिवाइडेड बाय एन, एन इज नंबर ऑफ इयर्स, कितने इयर्स का पास्ट डेटा लेकर आप ऑन एन एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना चाहते हो, और इस पूरे का अंडर रूट। सबमिशन ऑफ जी आर माइनस ई आर का ए आर का स्केयर, ये तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 10 डिवाइडेड बाय एन 4, और इसका अंडर रूट, जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा, दैट इज 1.58। ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है। स्टैंडर्ड डिविएशन भी सर अल्टीमेटली क्या होता है, रिस्क ही होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब सर अगर मेरे को इसका वेरिएंस निकालना हो, वेरिएंस इज नथिंग एल्स बट स्टैंडर्ड डिविएशन, या इसका साइन बना रहा हूं, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्केयर। स्टैंडर्ड डिविएशन के स्केयर को ही सर क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन के ही स्केयर को क्या कहते हैं सर, वेरिएंस कहते हैं। एक तरह से अगर मैं यहां पे अंडर रूट ना लगाऊं तो जो भी बचेगा वो क्या होगा, वेरिएंस होगा, ठीक है सर। अभी तक मैंने आपको स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस बताया पास्ट डेटा के बेसिस पे, अब मैं आपको फ्यूचर डेटा के बेसिस पे बता रहा हूं। जब भी आपके पास क्वेश्चन फ्यूचर का डेटा देगा, मतलब फोरकास्टिंग की जब बात होगी, तो डेटा होगा सर कुछ इस तरीके से। मान लीजिए मैं आने वाले 4 साल की फोरकास्टिंग करता हूं, तो अब मैं यहां पे ईयर 1 2 3 4 लिख रहा हूं, ये पिछले 4 साल नहीं है, ये आने वाले 4 साल है। उसका आपको सर एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया जाएगा, सॉरी उसका आपको यहां पे रिटर्न दिया गया, गिवन रिटर्न ही लिख रहा हूं, अभी बताता हूं ये क्या है। आपको सर एक तो क्वेश्चन में उसका गिवन रिटर्न दिया जाएगा, मतलब पहले साल में आने वाले अगले 1 साल में मेरे को लगता है 10% का रिटर्न आएगा, उससे अगले साल मेरे को लगता है 9% का रिटर्न आएगा, उससे अगले मेरे को लगता है 20% का रिटर्न आएगा, और उससे अगले साल मेरे को लगता है 11% का रिटर्न आएगा। इस तरीके से डेटा दिया, फिर आपको इसकी प्रोबेबिलिटी भी देगा कि पहले साल 10% का रिटर्न आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है, दूसरे साल 9% का रिटर्न आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.9 है, तीसरे साल 20% का रिटर्न आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी मान लीजिए 0.6 है,
चौथे साल 11% का रिटर्न आ सकता है, मान लीजिए उसकी प्रोबेबिलिटी अगेन 0.9 है। ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। अब सर इस केस में मतलब फ्यूचर डेटा होगा तो आपको क्या निकालना होगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न। जैसे पास्ट डेटा तो आपने क्या निकाला था? एवरेज रिटर्न। जब फ्यूचर डेटा होगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है सर, अब हम यहां पे निकालेंगे क्या? एक्सपेक्टेड रिटर्न। कैसे? रिटर्न मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, रिटर्न मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। बस आपको यह करना होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए, 10% इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 प्लस 9% इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी 0.9 प्लस 20% इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 प्लस 11% इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी 0.9। इस सबको करके आपके पास जो आएगा वो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बनेगा। ठीक है जी, तो ये आएगा, ये तो बन जाएगा 8%, ये बन जाएगा 8.1%, ये बन जाएगा 12%, ये बन जाएगा 9.9। इन सबको हम ऐड करेंगे, ये आएगा 8+8.1+9.9+12%, सो दिस वुड बी 38%। एक सेकेंड, ये सही आ रहा है? मैंने गलत तो नहीं कर दिया कहीं? ठीक है जी, तो ये 38% आ गया आपके पास। आपके पास यहां पे एक्सपेक्टेड रिटर्न 38%, सब में लिख दीजिए। उसके बाद आपको यहां पे क्या करना होगा? जैसे वहां पे भी एवरेज रिटर्न निकाला था, यहां पे एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल दिया। अब इनका डिफरेंस, गिवन रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, 10% माइनस 38% माइनस 28%, 9% माइनस 38% माइनस 29%, 20 माइनस 38 माइनस 18%, 11 माइनस 38 माइनस 27%। ये एक तरह से आपकी डिविएशन है। वहां पर डिविएशन जीआर माइनस एआर करके आ रही थी, यहां पर डिविएशन जीआर माइनस ईआर करके आई। फिर आपको इसका लगाना है स्केयर, जीआर माइनस ईआर का स्केयर, दैट इज डिविएशन का स्केयर। ठीक है, तो यहां पे आप डिविएशन का स्केयर लगाएंगे, आपके पास यहां पे इस सबका टोटल बनेगा। ये जो टोटल बनेगा, ये आपके पास एक तरह से क्या होगा? ये आपके पास सबमिशन ऑफ जी आर माइनस ई आर का स्केयर आ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से ये जो जी आर माइनस ई आर का स्केयर आपने निकाला है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा आपको अगेन विद प्रोबेबिलिटी। जी आर माइनस ई आर का स्केयर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। मतलब अब आप क्या निकालेंगे एक और कॉलम में? प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय जी आर माइनस ई आर का स्केयर। जो जी आर माइनस ई आर का स्केयर आया मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, तो यहां पे जो आया होगा मल्टीप्लाई बाय 0.8, यहां पे जो आया होगा मल्टीप्लाई बाय 0.9, यहां पे जो आया होगा मल्टीप्लाई बाय 0.6, यहां पे जो आया होगा मल्टीप्लाई बाय 0.9। आपके पास ये पूरा भर जाएगा, आपके पास इसका टोटल आ जाएगा। जो यहां पे टोटल आया, इस टोटल को आप क्या बोलेंगे? सर ये जो टोटल आया, ये सबमिशन है प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय जी आर माइनस ई आर के स्केयर का, जी आर माइनस ई आर के स्केयर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, उस पूरे का सबमिशन। आपके पास यहां पे ये टोटल आ गया। और सर जब पास्ट डेटा, सॉरी फ्यूचर डेटा से करते हैं, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इसका फॉर्मूला बनता है आपके पास, सबमिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय जी आर माइनस ई आर इसका स्केयर ओवरऑल का अंडर रूट। कुछ एन से डिवाइड नहीं करते, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड नहीं करते, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी से उसको सॉल्व कर रखा है। ठीक है ना, बस आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, आपके पास अल्टीमेटली सबमिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू जीआर माइनस ईआर का स्केयर तो आपके पास आ चुका है, बस आपको इसका अंडर रूट लगाना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा सर, वेरिएंस, वेरिएंस तो वही है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्केयर इज वेरिएंस। मतलब अगर आप इसका अंडर रूट ना लगाएं, यहां से जो आंसर आया होगा आपके पास, दैट इज नथिंग एल्स बट वेरिएंस। मेरे को बताइए ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको, रिवाइज हो गया सबको? हाँ जी, तो एक तरह से यहां पे अब अगर फॉर्मूले इसको समराइज करें, सर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है पास्ट डेटा के बेसिस पे, तो पहली बात आप निकालेंगे एवरेज रिटर्न। फॉर्मूला, सबमिशन ऑफ गिवन रिटर्न माइनस एवरेज रिटर्न का स्केयर डिवाइडेड बाय एन ओवरऑल का अंडर रूट, एज सिंपल एज दैट।
वेरियंस स्टैंडर्ड डिविएशन का स्केयर। अच्छा, फ्यूचर डेटा आपको दे रखा हो तो आपके पास गिवन रिटर्न होंगी, प्रोबेबिलिटीज होंगी। सॉल्व करके पहले आप निकालेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे? गिवन रिटर्न मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, मतलब रिटर्न मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, बस आपको करना है सबको ऐड करके आपके पास गिवन एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगी। फॉर्मूला क्या है सर स्टैंडर्ड डेविएशन का? गिवन रिटर्न, सॉरी, सबमिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय गिवन रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न का स्केयर ओवरऑल का अंडर रूट, और वेरियंस इसका स्केयर। कैसे करेंगे सर? गिवन रिटर्न दिया और प्रोबेबिलिटी दी हुई है, पहले तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल दो रिटर्न मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी करके। आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गई एक कॉलम में, वो लिख दो, फिर निकाल लो डेविएशन, गिवन रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसके बाद लगा दो इसका स्केयर, गिवन रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न का स्केयर आ जाएगा। फिर ये जो आया है गिवन रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न का स्केयर, इसको मल्टीप्लाई कर दो प्रोबेबिलिटी के पास। आप जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी, तो आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय जीआर माइनस ईआर का स्केयर। फिर कर दो इन सब का एडिशन, आपके पास आ जाएगा सबमिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय जीआर माइनस ईआर का स्केयर, बस उसके बाद लगा देना इसका अंडर रूट, एज सिंपल एज दैट। चलिए, तो सर ये कॉन्सेप्ट भी हो गया। उसके बाद सर हमने इस चैप्टर में किया था सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या मतलब था सर? सेंसिटिविटी एनालिसिस का, सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब था कि किसी भी वेरिएबल के रिलेशन में, किसी भी वेरिएबल के रिलेशन में आपकी एनपीवी कितनी सेंसिटिव है। मतलब सर समझ नहीं आया, जैसे आपको याद होगा क्लासेस में ऐसा कुछ समझा था, मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट का पीवी ऑफ इनफ्लो, आपने प्रॉपर पीवी वगैरह सब कुछ निकाल ली इनफ्लो की, पीवी ऑफ इनफ्लो का मान लीजिए आपके पास टोटल बना 1.5 लाख रुपया, आपने इसमें से माइनस किया पीवी ऑफ आउटफ्लो। नॉर्मल तरीके से आप अपनी एनपीवी निकाल रहे हो, मान लो पीवी ऑफ आउटफ्लो आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आपके पास एनपीवी पॉजिटिव आ गई 50,000, बहुत बढ़िया बात। अब आपसे पूछा जाए सर सेंसिटिविटी निकालो फॉर इनफ्लो, मतलब इनफ्लो नाम के वेरिएबल के लिए आपकी एनपीवी कितना सेंसिटिव है। तो सर इसका मतलब यह है कि एनपीवी में, सॉरी, इसका मतलब सर यह है कि इनफ्लो में मैं अभी और कितना डिक्रीज, देखो इनफ्लो मेरी इनकम की चीज है, तो इसमें अगर किसी चीज को बर्दाश्त करना होगा ना, टॉलरेट करना होगा, तो वो डिक्रीज को टॉलरेट करना होगा। इंक्रीज हो जाए इनकम तो बहुत ही बढ़िया बात है, उसको बर्दाश्त थोड़ा ना करना पड़ेगा, वो तो एंजॉयबल चीज है। तो मेरे कहने का मतलब था कि पीवी ऑफ इनफ्लो में कितना डिक्रीज अभी मैं और बर्दाश्त कर सकता हूं, कि उससे ज्यादा अगर डिक्रीज हो गया तो मेरी एनपीवी जीरो आ जाएगी। सर अगर आउटफ्लो कांस्टेंट रह जाए तो इनफ्लो में मैक्सिमम डिक्रीज मैं 50,000 का बर्दाश्त कर सकता हूं, क्योंकि अगर मेरा इनफ्लो में 50,000 का डिक्रीज हो गया तो रिवाइज्ड इनफ्लो 1 लाख, आउटफ्लो 1 लाख था ही था, एनपीवी बन जाएगी जीरो, ये तो फिर भी सर टॉलरेट हो जाएगा। इससे ज्यादा डिक्रीज अगर आ गया, 60,000 का डिक्रीज आ गया, मैं कहता हूं 51,000 का भी डिक्रीज आ गया, मेरी सर एनपीवी नेगेटिव हो जाएगी, वो मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है सर, तो आपकी सेंसिटिविटी क्या है फिर इनफ्लो के रिलेशन में? सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है चेंज डिवाइडेड बाय बेस, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। तो सर चेंज पीवी ऑफ इनफ्लो में कितना चेंज बर्दाश्त कर सकते हैं सर? 50,000 रुपए का। 50,000 रुपए से मेरी इनफ्लो गिर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एनपीवी जीरो ही होगी। बेस कितना था? 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख के इनफ्लो में मैक्सिमम 50,000 का चेंज बर्दाश्त कर सकता हूं इनटू 100। ये परसेंटेज आएगी आपके पास 33.33%। ठीक है जी, इसी तरीके से मैं आपको बोलूं सेंसिटिविटी इन रिलेशन टू आउटफ्लो बताओ। अब आउटफ्लो है सर, आउटफ्लो का डिक्रीज अगेन अच्छी बात है, उसको बर्दाश्त थोड़ा ना करोगे। आउटफ्लो अगर इंक्रीज करता है तो उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आउटफ्लो में पहली बात होगी इंक्रीज की। सेंसिटिविटी का मतलब क्या बनेगा? आउटफ्लो के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आउटफ्लो में मैं और कितना इंक्रीज बर्दाश्त कर सकता हूं, कि उससे ज्यादा अगर मेरा आउटफ्लो बढ़ गया तो सर मेरी एनपीवी नेगेटिव हो जाएगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो सर आउटफ्लो अगर इनफ्लो कांस्टेंट रह जाए 1.5 लाख पे, तो आउटफ्लो मैक्सिमम 50,000 से अगर बढ़ गया तो मैं बर्दाश्त कर जाऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि आउटफ्लो अगर 50,000 से बढ़ गया वो हो जाएगा 1.5 लाख, और इनफ्लो कांस्टेंट अगर 1.5 लाख पे रहती है तो एनपीवी आ जाएगी जीरो। ठीक है सर, फिर भी झेल जाएंगे।
तो सर इसमें चेंज आउटफ्लो में कितना इंक्रीज का चेंज बर्दाश्त कर पा रहे हो, 50,000 डिवाइडेड बाय बेस कितना था ओरिजिनल आउटफ्लो, 1,00,000 इनटू 100, तो सर 50% आया। मतलब आउटफ्लो के रिलेशन में आपकी सेंसिटिविटी 50% है, इनफ्लो के रिलेशन में आपकी सेंसिटिविटी 33.33% है। मैं आपको बोलूं कि सर इनफ्लो और आउटफ्लो में से कौन सा फैक्टर ज्यादा रिस्की है ये बताओ, इनफ्लो और आउटफ्लो में से कौन सा फैक्टर ज्यादा रिस्की है ये बताना है इन कंपैरिजन टू या इन रिलेशन टू सेंसिटिविटी एनालिसिस। मतलब सेंसिटिविटी एनालिसिस करके बताओ इनफ्लो ज्यादा रिस्की है या आउटफ्लो। सर बड़ी सिंपल सी बात है, आउटफ्लो में 50% की सेंसिटिविटी है, मतलब आपके पास 50% की बैंडविड्थ है, आप एरर कर सकते हो, आप गलती कर सकते हो, आपके पास आउटफ्लो में 50% का गलती करने का एक मौका है, उससे ज्यादा गलती बर्दाश्त नहीं हो पाएगी, लेकिन 50% तक की गलती बर्दाश्त हो जाएगी। लेकिन सर इनफ्लो में आपके पास ये जो बैंडविड्थ है, आपके पास ये जो इलास्टिसिटी है, ये सर 33.33% है, मार्जिन ऑफ एरर सिर्फ 33.33% है, इससे ज्यादा गलती अगर हो गई तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो सर जिस फैक्टर में मार्जिन ऑफ एरर कम होगा, जिस फैक्टर में गलती करने का चांस कम होगा, वो फैक्टर ज्यादा रिस्की है। तो इस केस में इनफ्लो ज्यादा रिस्की है क्योंकि उसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है एज कंपेयर टू आउटफ्लो। एंड दिस इज इट, इसका क्वेश्चन करेंगे। ऑल द कॉन्सेप्ट तो सर इतना ही था सेंसिटिविटी का, मेरे को बताइए समझ आया आपको? हाँ जी, यहां तक की बात क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक की बात में? अच्छा, एक चीज यहां पे आपको याद होगा, क्वेश्चन स्पेसिफिक एक बार बता रहा हूं, मैंने तो यहां पे आपको आउटफ्लो और इनफ्लो के रिलेशन में बता दिया, कई बार क्वेश्चन आपको डिस्काउंटिंग रेट के रिलेशन में भी बोल सकता है, जैसे इनफ्लो के रिस्पेक्ट में बात करी, आउटफ्लो के रिस्पेक्ट में बात करी, क्वेश्चन आपको कह सकता है डिस्काउंटिंग रेट के रिस्पेक्ट में बताओ सेंसिटिविटी क्या होगी। तो अब तो हम रिवीजन कर रहे हैं तो सीधा सीधा मैं आपको क्रक्स बता के चलूंगा। सर जब भी आपसे डिस्काउंटिंग रेट के रिलेशन में सेंसिटिविटी मांगी जाए, वैसे मैं क्यों बताऊं आप बताओ, डिस्काउंटिंग रेट के रिस्पेक्ट में अगर आपसे सेंसिटिविटी मांगी जाए क्या करोगे? हाँ जी, क्या निकालोगे यहां पे बताओ बताओ, डिस्काउंटिंग रेट के रिस्पेक्ट में आपसे सेंसिटिविटी मांगी गई है, आप क्या करोगे यहां पे? बिल्कुल सही कुणाल, सर अगर डिस्काउंटिंग रेट के रिस्पेक्ट में सेंसिटिविटी मांगी जाती है तो हम कंप्यूट करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज IRR। ठीक है जी, क्यों सर? फटाफट से समझ लो, देखो सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, अल्टीमेटली मेरे को यहां पे अपनी NPV 0 बनानी होती है, ठीक है ना, अल्टीमेटली सेंसिटिविटी में NPV 0 बनानी होती है। मेरे को बताओ NPV 0 कब आएगी? जब PV इनफ्लो इक्वल होगा PV आउटफ्लो के, जब ये दोनों बराबर होंगे तो ही तो NPV 0 बनेगी, PV इनफ्लो माइनस PV आउटफ्लो करके आंसर 0 आएगा। और सर कौन से रेट पर अपने इनफ्लोज को डिस्काउंट करूं, कौन से रेट पर अपने इनफ्लोज को डिस्काउंट करूं कि जो PV ऑफ इनफ्लो आए वो बराबर आए PV ऑफ आउटफ्लो के? सर ऐसे रेट पर जिस पर अगर आप अपने इनफ्लोज को डिस्काउंट करो तो PV ऑफ इनफ्लो का टोटल PV ऑफ आउटफ्लो के टोटल के बराबर आए, तो सर ऐसा डिस्काउंटिंग रेट IRR ही तो कहलाता है। तो अल्टीमेटली यहां पे आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? IRR, उसके बाद तो ओरिजिनल डिस्काउंट रेट जो क्वेश्चन में होगा, माइनस IRR करके आपके पास चेंज आएगा, डिवाइडेड बाय बेस जो ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट था, मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पे कॉन्सेप्ट भी हो गया, मैंने आपको क्रक्स भी बता दिया। अच्छा सर सेंसिटिविटी में ही क्वेश्चन कई बार आपको, जैसे इनफ्लो के रिलेशन में बात करी, आउटफ्लो के रिलेशन में बात करी, डिस्काउंटिंग रेट के रिलेशन में बात करी, कई बार क्वेश्चन नंबर ऑफ इयर्स के रिलेशन में बात करता है और क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ इयर्स के रिलेशन में सेंसिटिविटी बताओ। हाँ जी, नंबर ऑफ इयर्स के रिलेशन में अगर सेंसिटिविटी आती है तो क्या निकालोगे, ये भी मैं नहीं बता रहा हूं, आप बताएंगे। हाँ जी, नंबर ऑफ इयर्स के रिलेशन में सेंसिटिविटी बताएंगे।
कोई जवाब नहीं देता, ओके ओके ओके। तो सर नंबर ऑफ ईयर्स के रिलेशन में जब सेंसिटिविटी पूछी जाएगी तो हम पे बैक पीरियड निकालेंगे, ठीक है जी, बिल्कुल सही। एक सेकेंड, अच्छा पे बैक पीरियड क्यों निकालेंगे सर? सेंसिटिविटी का अगेन मतलब क्या होता है? सेंसिटिविटी का मतलब एनपीवी को जीरो बनाना है। और सर पे बैक पीरियड क्या होता है? मिनिमम कितना टाइम लगेगा कि जो उतने टाइम में जो मेरा इनफ्लो आएगा वो बराबर होगा मेरे आउटफ्लो के, यही मतलब होता है पे बैक पीरियड का, कि मिनिमम सर इतना टाइम लगेगा कि जितना आपने आउटफ्लो इंकर किया था उतना आपको इनफ्लो आ जाएगा। तो अल्टीमेटली उतने टाइम में जो इनफ्लो होगा वो मेरे आउटफ्लो के बराबर होगा, एनपीवी जीरो आएगी, तो मेरे को अल्टीमेटली पे बैक पीरियड निकालना होता है। इसके अलावा सेंसिटिविटी के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट के रिलेशन में बता दो, कॉस्ट पर यूनिट के रिलेशन में बता दो। इसमें आप एक सिंपल सी चीज कर लेना, जिसके भी रिलेशन में ये जो मैंने ऊपर आपसे डिस्कस किया पीवी ऑफ इनफ्लो, पीवी ऑफ आउटफ्लो, डिस्काउंटिंग रेट, पे बैक पीरियड, इसके अलावा और किसी भी वेरिएबल के रिलेशन में अगर आपके पास सेंसिटिविटी निकालने को आ जाए तो आपको क्या करना है, जिसके रिस्पेक्ट में सेंसिटिविटी आती है उसको एक्सलेट कर लेना और एक्स की टर्म्स में इनफ्लो निकाल देना। भाई आपने अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट को एक्सलेट कर लिया है तो आप इनफ्लो निकालोगे, पहले इनफ्लो निकालने के लिए आप क्या बनाओगे, इनकम स्टेटमेंट। अच्छा इनकम स्टेटमेंट में आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स होंगी मान लो 1000 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपने एक्सलेट कर ली है माइनस वेरिएबल कॉस्ट एंड सो ऑन, एक्स की टर्म्स में इनकम स्टेटमेंट बनेगी, आपके पास आएगा इनफ्लो। एक्स की ही टर्म्स में इस इनफ्लो की निकाल देना पीवी, नॉर्मल डिस्काउंटिंग रेट जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसको यूज करते हुए पीवी ऑफ इनफ्लो आ जाएगा, यह भी आपके पास एक्स की टर्म्स में आएगा क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट एक्स ली थी, माइनस कर देना पीवी ऑफ आउटफ्लो जो कि एब्सोल्यूट अमाउंट में आपको दिया होगा, और एनपीवी लिख देना जीरो क्योंकि आपने जो ये एक्स की सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेट करी थी ये वो सेलिंग प्राइस पर यूनिट थी जहां पे एनपीवी जीरो आए। तो इक्वेट कर देना इसको जीरो से, सॉल्व करना इस इक्वेशन को, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी योर रिवाइज सेलिंग प्राइस पर यूनिट एट विच एनपीवी इज जीरो। आप उसके बाद ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ये जो रिवाइज सेलिंग प्राइस यहां से आई होगी, डिफरेंस निकालेंगे चेंज आएगा, डिवाइडेड बाय बेस करेंगे इनटू 100 करेंगे सेंसिटिविटी आ जाएगी। सिमिलरली इस तरीके से कॉस्ट पर यूनिट का, हां जी समझ आ गया यहां तक। ये सर आपका सेंसिटिविटी एनालिसिस था इस चैप्टर का। इसके बाद हमने इस चैप्टर में यहां पर किया था एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू दैट इज एपीवी का कॉन्सेप्ट हमने बिल्कुल लास्ट में याद होगा आपको किया था। ये बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है सर। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू में सबसे पहले आप क्या करते हो, ये मानकर सबसे पहले आप निकालते हो बेस एनपीवी। बेस एनपीवी का मतलब क्या होता है, आप ये मान लेंगे कि सारा का सारा पैसा इक्विटी से आया है। ये मानकर कि जब सारा का सारा पैसा इक्विटी से आया है, ऐसा मानते हुए आप नॉर्मल तरीके से अपनी पीवी ऑफ इनफ्लो निकालेंगे, माइनस करेंगे उसमें से पीवी ऑफ आउटफ्लो, आपके पास एनपीवी आ जाएगी। ये जो एनपीवी होगी ये कहलाएगी बेस एनपीवी। सर जब हमने ये मानते हुए कि सारा पैसा इक्विटी से आया है एनपीवी निकाली, तो चेंज कहां कहां पे आएगा? देखिए एक तो इस वजह से चेंज आएगा आपके डिस्काउंटिंग रेट में। आपका नॉर्मली जो डिस्काउंटिंग रेट होता है वो होता है केओ, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज उसमें केई केपी केडी सभी जुड़े होते हैं। लेकिन अब मैंने अगर मान लिया है कि सारा पैसा इक्विटी से आ रहा है तो मेरा डिस्काउंटिंग रेट हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ के ई, पहली चीज। यह है पहला चेंज। दूसरा चेंज, जब आपने यह मान लिया है कि सारा का सारा पैसा इक्विटी से आ रहा है तो आपके पास डेट नहीं है। अगर सर आपके पास डेट नहीं है तो इंटरेस्ट नाम का खर्चा नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, जब आप इनफ्लोज निकालोगे तो आप इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं करोगे। इंटरेस्ट को कंसिडर ना करते हुए आपको यहां पे अपना पीवी निकालना है, इनफ्लो कंप्यूट करना है। उसके बाद डिस्काउंटिंग रेट इज इक्वल टू के ई मानते हुए आपको पीवी ऑफ इनफ्लो निकालना है, उसमें से आप आउटफ्लो माइनस करेंगे आपके पास एनपीवी आएगी, ये मानते हुए कि सारा पैसा इक्विटी से आया था जो कि कहलाएगी बेस एनपीवी। ठीक है जी,
उसके बाद सर स्टेप टू, स्टेप टू आपको क्या करना है, जो डेट है डेट के ऊपर लगा इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट के अमाउंट पे आपको मिलेगी टैक्स की सेविंग, उस डेट के अमाउंट पे आपको मिलेगी सर टैक्स की सेविंग। इस टैक्स की सेविंग, ये जो टैक्स की सेविंग है ये है, ये भी सर आपके लिए क्या है, एक इनफ्लो है। फिर आप अलग से इस टैक्स की सेविंग नाम के इनफ्लो की पीवी निकालेंगे, पीवी ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। और सर जब इस टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट की जब आप पीवी निकाल रहे होंगे, जो इसके लिए आप डिस्काउंटिंग रेट लेंगे वो आप लेंगे इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स। बेसिकली योर केडी विल बी योर डिस्काउंटिंग रेट हेयर, क्योंकि आप सिर्फ डेट के रिलेशन में काम कर रहे हो। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आपने यहां पे इनफ्लोज निकाले हैं, ये वाले ये इनफ्लोज मैं फटाफट से आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, ये कैसे निकले होंगे। आपने सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, पहले स्टेप में कॉन्ट्रीब्यूशन आया होगा, माइनस करे होंगे यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट, आपके पास ईबीआईटी आया होगा। ईबीआईटी में से जनरली माइनस करते हैं इंटरेस्ट, नहीं करना इंटरेस्ट माइनस, माइनस करेंगे सीधा का सीधा यहां से टैक्स। जब मैंने इंटरेस्ट माइनस नहीं किया तो मेरा प्रॉफिट कम नहीं हुआ, ज्यादा प्रॉफिट रहा, ज्यादा प्रॉफिट पे टैक्स लगा, ज्यादा टैक्स आया। टैक्स की सेविंग का इंपैक्ट स्टेप वन में नहीं डला है। आपके पास यहां पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्सेस ये आ जाएगा, फिर आप यहां से इंटरेस्ट अलग से माइनस कर देंगे, ठीक है ना, आपके पास ईएटी आ जाएगा। इस तरीके से ये स्टेप वन का ईएटी निकलता है, जिसकी जिसको आप इनफ्लो मानते हो। इसमें आप अपना डिप्रिसिएशन ऐड बैक कर देते हो और आपके पास कैश इनफ्लो आ जाता है, ठीक है ना। अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब है पूरे के पूरे इंटरेस्ट का इंपैक्ट पार्ट वन में डाल दिया, उस इंटरेस्ट पे लगी टैक्स सेविंग का इंपैक्ट स्टेप टू में अलग से निकाला। उसके बाद सर आपका लगता है स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में आप क्या करते हो, फ्लोटेशन कॉस्ट निकालते हो, डेट की, इक्विटी की, किसी भी चीज की जो भी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है आपके पास, इनिशियल प्रोसेसिंग कॉस्ट, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, वो सब आपको क्वेश्चन में दिए होते हैं, वो आप कंसिडर करते हो। ज्यादातर ये फ्लोटेशन कॉस्ट वाई जीरो पे ही होती है, अगर नहीं है तो इसकी भी आपको पीवी निकालनी पड़ेगी एज पर डिस्काउंटिंग रेट। अच्छा, नॉर्मली आपके पास वाई जीरो पे ही होगा क्योंकि ये खर्चा इंकर ही वाई जीरो पे होता है, स्टार्टिंग में होता है। उसके बाद सर एपीवी के लिए आपको क्या करना है, स्टेप वन प्लस स्टेप टू माइनस स्टेप थ्री, एज सिंपल एज दैट। स्टेप वन में भी आपने एक एनपीवी निकाली है, बेस एनपीवी निकाली है, प्लस स्टेप टू में भी आपने इनफ्लो की ही पीवी निकाली है, पीवी ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, और स्टेप थ्री में आपने सर फ्लोटेशन कॉस्ट का आउटफ्लो निकाला है, उसको माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा दैट विल बी योर एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। हाँ जी, मेरे को बताएंगे समझ आया सबको। यहां तक सबको क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ जी, अच्छा, इसमें भी ना क्वेश्चन स्पेसिफिक आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे आपको याद आएगा हमने क्लासेस में क्वेश्चन कर भी रखा है इसके रिलेशन में, उस क्वेश्चन में आपको इस तरीके से बात कर रखी थी। नहीं बच्चे, आंसर सेम नहीं होगा कुणाल, आंसर विल बी डिफरेंट, अप्रोच डिफरेंट है। बेसिकली वैसे देखो अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्चुअली, तो आप जो नॉर्मल सर्कमस्टांस में करते हो, एपीवी में करते हो, वो बात एक ही है, बस एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू डेट के इंपैक्ट को अलग डलवा रही है और इक्विटी के इंपैक्ट को अलग डलवा रही है। जो नॉर्मली आप करते हो दोनों के इंपैक्ट को कंबाइंड करते हो, वहां पे जो आप इनफ्लो लेते हो नॉर्मल तरीके से वो भी डेट और इक्विटी दोनों से आया होता है, और इसीलिए जो आप डिस्काउंटिंग रेट लेते हो वो भी आप केओ लेते हो जनरली, डेट और इक्विटी मिक्स, यहां पे अलग अलग ले लिया। कॉन्सेप्चुअली तो आंसर सेम आना चाहिए, बट मैथमेटिकली कॉम्पिटिशंस करते हुए आंसर सेम नहीं आता है, ठीक है कुणाल। अच्छा, मेरे को याद आ रहा है एक क्वेश्चन में हमने एक पॉइंट किया था इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उसमें ना इस तरीके का डेटा था कुछ आपके पास, कि मान लो एक कंपनी को 10 लाख रुपया चाहिए, यह कंपनी की रिक्वायरमेंट है पैसों की,
ठीक है। अच्छा, फिर इस रिक्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन में आपको डेटा दिया हुआ था, ये कंपनी क्या करेगी, इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ तो लेगी डेट, ठीक। और आपको दिया हुआ था कि डेट लेगी, डेट पे आपकी प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी, ठीक। मान लो 1% की प्रोसेसिंग कॉस्ट डेट पे लगती है। इसी तरीके से कुछ पैसा कंपनी इक्विटी शेयर से रेस करेगी, और जब कंपनी पैसा इक्विटी शेयर से रेस कर रही है तो कंपनी को इक्विटी शेयर पे भी ना 2% की फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है, ठीक है ना। अब आपको दिया हुआ था कि कंपनी ने क्या किया, अपने 40,000 शेयर्स इशू करे, ठीक। सॉरी, इस तरीके से डेटा देके आपको लिखा हुआ था कि कंपनी ने क्या किया, 4,00,000 रुपया इक्विटी से रेस किया और बाकी का 6,00,000 रुपया डेट से रेस किया, ठीक। इस तरीके से आपको डेटा दे दिया। अब बच्चे क्या करते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट निकालने के लिए 4,00,000 की इक्विटी है, 2% की फ्लोटेशन कॉस्ट है, अंधाधुंध 4,00,000 की इक्विटी की वैल्यू का 2% निकाल के यहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट निकाल देंगे। प्रोसेसिंग कॉस्ट निकालनी है, अंधाधुंध यहां पे 6,00,000 रुपए का डेट है, सीधा सीधा इसका 1% करके यहां पे इसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट निकाल देंगे और कह देंगे देखो सर ये हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट और प्रोसेसिंग कॉस्ट है जो कि हमको स्टेप 3 में निकालनी होती है। सर ये गलत है बिल्कुल। क्यों गलत है मेरे को एक बात बताइए। अगर इक्विटी की बात करता हूं, 4,00,000 की इक्विटी से पैसा रेस किया, 2% की आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट कट गई, कितना हुआ 8,000। इसी तरीके से 6,00,000 रुपए का आपका डेट है, 1% की आपकी प्रोसेसिंग कॉस्ट है, ये आ गया 6,000। तो अगर सर 6,000 यहां से कट गया, अगर 6,00,000 का 1% आपने निकाला है, मतलब 6,00,000 में से 1,000 प्रोसेसिंग कॉस्ट के नाम का कटेगा, बाकी आपको मिलेगा कितना 5,94,000। इसी तरीके से 4,00,000 की अगर आपने इक्विटी रेस करी है और 2% उस पर आपने कंप्यूट किया फ्लोटेशन, तो ये कटके आपको पैसा मिलेगा, मतलब 3,92,000। ये एड होके सर 10,00,000 तो नहीं बनेगा, मेरी रिक्वायरमेंट तो प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए 10,00,000 थी, मतलब मैंने इक्विटी 4,00,000 की रेज नहीं करी है, मैंने इक्विटी कुछ ज्यादा की रेज करी है। उस ज्यादा वाले अमाउंट में से 2% की फ्लोटेशन कट कटाकर मेरे पास 4,00,000 बचा है। इसी तरीके से डेट मैंने 6,00,000 का रेज नहीं किया है, डेट मैंने ज्यादा का रेज किया है, उसमें से प्रोसेसिंग कॉस्ट कट कटाकर मेरे पास नेट 6,00,000 बचा है। इसका मतलब अगर प्रोसेसिंग कॉस्ट की हम बात करें तो सर ये जो 6,00,000 का डेट है ना, ये 1% की फ्लोटेशन कॉस्ट, सॉरी 1% की प्रोसेसिंग कॉस्ट काट कर बचा है, मतलब ये 99% को रिफ्लेक्ट कर रहा है 6,00,000, ये 1% प्रोसेसिंग कट कर आया है। तो 6,00,000 डिवाइडेड बाय 99% हम करेंगे, ये आएगा 606060। अल्टीमेटली इतने का डेट रेस किया, बचा 6,00,000 का, तो दिस अमाउंट माइनस 6,00,000 जो बच गया आपके पास 6060 आ जाएगा, दिस इज योर प्रोसेसिंग कॉस्ट। इसी तरीके से सर आप फ्लोटेशन कॉस्ट करेंगे, आपने 4,00,000 जो रेज किया है ये सर 100% नहीं है, आपने इससे ज्यादा रेज किया होगा, ये 4,00,000 आपके पास 2% की फ्लोटेशन कटकटाकर बचा है, मतलब ये 98% के अमाउंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओरिजिनल अमाउंट कितना होगा फिर 408,163, और बचा कितना 4,00,000, तो सर कट कितना गया 8,163 इज योर फ्लोटेशन, 6060 इज योर प्रोसेसिंग। ध्यान रखिएगा सर, इस तरीके से अगर किसी क्वेश्चन में दे रखा हो, सिंपल लॉजिक था, अगर आपने इन्हीं अमाउंट्स पे फ्लोटेशन प्रोसेसिंग काट दी तो आपके पास जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो तो आपकी रिक्वायरमेंट को ही पूरा नहीं करेगा, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो प्रोजेक्ट शुरू कैसे करोगे, फिर इवैल्यूएशन ही बेकार है। यहां से ये इंटरप्रिटेशन निकली, कोई दिक्कत कोई डाउट यहां तक बताएंगे एक बारी। समझ आ गया सबको? हाँ जी, इसके बाद सर इस चैप्टर में हमारे पास लास्ट चीज आई थी, मैंने अभी तक आपसे जॉइंट प्रोबेबिलिटी और डिसीजन ट्री डिस्कस नहीं किया है, वो मैं आपके साथ ना क्वेश्चन के साथ साथ ही डिस्कस कर जाऊंगा, अलग से उसको अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक लास्ट चीज यहां पे बच गई, कैश फ्लोस या इन्फ्लेशन अंडर कैपिटल बजटिंग।
एक सर ये कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ पे किया था। इस कॉन्सेप्ट में तो सिंपल सी बात थी, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट में कैश फ्लोज की बात करूं तो सर कैश फ्लोज आपके पास दो तरीकों के हो सकते हैं। एक आपके पास हो सकता है रियल कैश फ्लोज, एक आपके पास हो सकता है नॉमिनल कैश फ्लोज। रियल कैश फ्लोज मतलब विदाउट इन्फ्लेशन, और जो आपका नॉमिनल कैश फ्लोज होता है दीज आर विद इन्फ्लेशन, इनमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होती है। तो सर अगर मेरे को नॉमिनल कैश फ्लो निकालने हो तो कैसे निकलेंगे? रियल कैश फ्लो बिल्कुल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जैसे लगाते हैं वैसे आपको नॉमिनल कैश फ्लो निकालना है। रियल कैश फ्लो जिसमें इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं है, 1+ इन्फ्लेशन रेट रेज टू पार नंबर ऑफ इयर्स, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास नॉमिनल कैश फ्लो आ जाएगा। बेसिकली एक रुपया इस इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से इतने साल में अगर इतना बन जाएगा तो ये रियल कैश फ्लो उस इन्फ्लेशन के हिसाब से कितना बन जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी, ओके जी। इसके बाद सर आपके पास इसी में बी पार्ट आया था, कैश फ्लो हो गया, फिर इन्फ्लेशन के रिलेशन में आपके पास आया था डिस्काउंट रेट। अब सर दो तरीकों के डिस्काउंट रेट यहां पे आए थे, एक आया था आरडीआर दैट इज रियल डिस्काउंट रेट, एक आपके पास आया था एमडीआर दैट इज मनी डिस्काउंट रेट। ठीक है ना? अब सर मनी डिस्काउंट रेट निकालना है तो आपको क्या करना होगा? एमडीआर के लिए मैंने आपको यहां पे बताया था दो तरीके हैं, देखिए है। एक है एमडीआर निकालने का तरीका एमडीआर इज इक्वल टू आरडीआर प्लस इन्फ्लेशन रेट, या तो सर आप ऐसे निकाल सकते हो, या फिर आपके पास दूसरा तरीका है 1+ एमडीआर इक्वल्स टू 1+ आरडीआर मल्टीप्लाई बाय 1+ इन्फ्लेशन रेट। और सर इस वाले तरीके को हमेशा आपको प्रेफरेंस देनी है, इसलिए मैं इसको तो ना हटा ही देता हूं, आपको सर करना ही यही है, ये ज्यादा जेन्युइन तरीका है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप अपने रियल डिस्काउंट रेट से एमडीआर मनी डिस्काउंट रेट दैट इज विद इन्फ्लेशन वाले डिस्काउंट रेट तक जा पाएंगे। एमडीआर इज विद इन्फ्लेशन, आरडीआर इज विदाउट इन्फ्लेशन। ठीक है जी। अच्छा, एमडीआर को नॉमिनल डिस्काउंट रेट एनडीआर के नाम से भी जाना जा सकता है। सर एक बात बताओ, ये तो आपने बता दिया, रियल कैश फ्लो से मनी कैश फ्लो पे कैसे जाएं, नॉमिनल कैश फ्लो पे कैसे जाएं, रियल डिस्काउंट रेट से मनी डिस्काउंट रेट पे कैसे जाएं, करना क्या होगा? देखिए, आपके पास अगर कैश फ्लोस क्वेश्चन में रियल कैश फ्लोस हैं तो आपका डिस्काउंट रेट भी आरडीआर होना चाहिए, रियल डिस्काउंट रेट, फॉर द सिंपल रीजन जब आपके कैश फ्लो में ही इन्फ्लेशन नहीं है तो फिर आप ऐसा डिस्काउंट रेट कैसे ले सकते हो जिसमें इन्फ्लेशन होगा? जब कैश फ्लो में ही इन्फ्लेशन नहीं है तो उस कैश फ्लो में से इन्फ्लेशन हटाओगे क्यों? क्योंकि डिस्काउंटिंग रेट काम क्या करता है, कैश फ्लो में से जो भी रेट होगा डिस्काउंटिंग रेट का, उस रेट के हिसाब से उसमें से अमाउंट हटाया जाता है। तो जब इसमें इन्फ्लेशन है ही नहीं, उसमें से वो इन्फ्लेशन जो चीज है ही नहीं उसमें से हटाई कैसे जाए? अच्छा, अगर इसी तरीके से आपके पास नॉमिनल कैश फ्लोज हैं तो सर आपका डिस्काउंट रेट मनी डिस्काउंट रेट होना चाहिए। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन में देखना होगा, कई बार क्वेश्चन क्या करते हैं, रियल कैश फ्लो दे देते हैं, डिस्काउंट रेट मनी डिस्काउंट रेट दे देते हैं, तो वहां से आपको रियल डिस्काउंट रेट पे आना पड़ेगा, या फिर कई बार आपको नॉमिनल कैश फ्लो दे देते हैं और रियल डिस्काउंट रेट दे देंगे, तो वहां से आपको या तो रियल डिस्काउंट रेट से मनी डिस्काउंट रेट पे आना पड़ेगा, या फिर डिस्काउंट रेट रियली रहने दो, नॉमिनल कैश फ्लो से रियल कैश फ्लो पे चले जाओ। ठीक है जी। एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। आंसर सर चाहे रियल कैश फ्लो रियल डिस्काउंट रेट से कर लो, चाहे नॉमिनल कैश फ्लो मनी डिस्काउंट रेट से कर लो, आंसर आपका सेम आने वाला है। हां जी, मेरे को बताइए समझ आया यहां तक आपको? सबको बताएंगे एक बारी, सभी बताएंगे एक बारी, सभी को क्लियर हुआ? क्योंकि मेजरली हमने सारे कॉन्सेप्ट्स
इस पर्टिकुलर चैप्टर के रिवाइज हमने कर लिए हैं। हाँ जी बताइए। बता दो ओके जी। ठीक है। अच्छा आप मेरी बात सुनो, आज का सेशन मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा लेट शुरू किया था, तो अभी मैं इस सेशन को खत्म करूंगा। आज के दिन हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करे हैं। अब मैं सेशन खत्म होते ही आपके ग्रुप्स पे आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है, और इस वीडियो की लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में भी क्वेश्चंस नंबर मेंशन कर दूंगा अपने बुक वाले, ठीक है ना, कि अगर कोई बच्चा ग्रुप में एडेड नहीं भी है वो करना चाहता है तो आप प्लीज वहां पे डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस देख लेना, मेरी बुक से वो वाले क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा आज की आज। नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले मैं इसी चैप्टर के आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर इनके क्वेश्चंस पे करूंगा और उसके बाद अपने अगले चैप्टर पे चलूंगा, ठीक है ना। आज का एक तरह से मेरा सेशन थोड़ा सा छोटा ही रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स हमने इस चैप्टर के सारे खत्म कर लिए हैं। तो आज आप अपने मेरी वाली बुक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस निपटाइए, कल आरटीपी मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए फिर बाय बाय, आज का सेशन यहीं पे खत्म कर रहा हूं।